ॐ गुरुभ्यो नमः ॐ गं गणपतये नमः ॐ हुं हनुमतये नमः ॐ रं रामाय नमः ॐ मातेश्री नमो नमः ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः ॐ शान्ति 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। सिंह राशि वालों का सप्तम स्थान में शनि मार्गी बकरी से मार्गी में आना आपके लिए क्या परिणाम आने वाला समय में लेके आ रहा है। राशिफल सिंह राशि। सिंह राशि वालों का सप्तम स्थान शनि का गोचर विगत एक साल से चला और अभी बकरी थे, स्टैग्नेंट हुए, फिर मार्गी हुए। सिंह राशि वालों का सबसे पहला सप्तम शनि को भय कहा गया, भय। लेकिन बिजनेस में बढ़ना, नए पार्टनर का मिलना, कई प्रकार के बिजनेस का एक्सटेंशन होना, ये भी स्थिति होता है। कई सारे काम बनना, ये भी होता है। तो कुछ लोगों का हुआ है, 50% हुआ था, बकरी थे तो थोड़ा सा काम स्लो हो गया था। अब शनि स्टैग्नेंट से मार्गी हो रहे हैं, कुछ काम बनेगा। हाँ, कुछ स्थिति बुरे हो सकते हैं कुछ लोगों का, थोड़ा सा अब इस समय देखना बहुत सारे डेथ न्यूज आ रहे हैं आगे होंगे, तो ये कोई डरने और भय करने का विषय नहीं है, आगे चल के ये ठीक भी हो जाएगा। दूसरा ये है कि ये सिंह राशि के लिए षष्ठाधिपति सप्तम में, तो बीवी का रोग, पति का रोग, स्पाउस का बीमारी, मन मालिन्य, मत पार्थक्य, पटरी नहीं होना, ऐसे ही सिंह राशि वालों का मैरिज लाइफ तो बहुत बढ़िया नहीं होता है। ऊपर से ये षष्ठाधिपति सप्तम में तो कुछ ज़्यादा ही ट्रिगिंग करना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का होना, मन मालिन्य मत पार्थक्य का बढ़ना, बिजनेस हाउस में, पार्टनरशिप हाउस में कहीं ना कहीं एक प्रकार के मनोवैज्ञानिक दबाव या प्रेशर का बिल्डअप होना, कुछ लोगों का धोखा भी हो सकता है अपने पार्टनरशिप के साथ, पार्टनरशिप का कुछ बात उगड़ सकते हैं, आपके साथ गद्दारी हो सकता है, संभावना कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और इस समय सिंह राशि के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेबल फैक्टर रहेगा, चतुर्थ स्थान वृश्चिक राशि के ऊपर शनि और राहु का दृष्टि, माँ का स्वास्थ्य में प्रॉब्लम, भूमि भवन वाहन माता सुख मन में कमी या किसी प्रकार के धोखाबाजी या दगाबाजी हो सकता है। सावधान रहें, इस समय खरीदने का बेचने के चक्कर में, सेलिंग परचेजिंग के चक्कर में ना पड़े। कुछ लोगों का जमीन इत्यादि विच्छेद होगा, कुछ लोग घर से दूर जाएंगे, कुछ लोग अपने माँ से दूर जाएंगे। माँ का स्वास्थ्य को लेके अगर बहुत बुरी है, बीमार चल रही हैं या कुछ प्रॉब्लम है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम बिल्डअप थोड़ा क्या ज़्यादा भी हो सकता है। नेक्स्ट विषय बिंदु सिंह राशि वालों के लिए, कुछ फियर फोबिया का मात्रा, कॉन्फिडेंस में कमी, आत्मविश्वास में कमी, बिना फालतू का भय, जिसको जिस बारे में भय नहीं करना चाहिए वही भय। सोचो जीजाजी घर आए थे, घर में दवाई दिए, बीमार होके पड़े थे या नहीं बीमार हुए, सडन मर गए। अब सिंह राशि वाले क्या बोलेंगे कि अगला जीजाजी को मत बुलाओ, वो जीजाजी भी कहीं मर उड़ जाए तो फिर दोषा आरोप लग जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि झूठे इल्ज़ाम में फंसना, एक कंडीशन ये भी दिख रहा है कि जीजाजी को तो हमने दवाई दिया नहीं था, अपने दवाई खा के मर गए, लेकिन दोष साली के ऊपर या साला के ऊपर पड़ गया, सिंह राशि वाला साल के ऊपर पड़ गया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ यार, उल्टा सीधा नहीं समझ लेना, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब 150 करोड़ का तो पूरा हिस्ट्री नहीं गा सकता हूँ ना, एक एग्जाम्पल मात्र दे रहा हूँ कि झूठे आरोप में संभावना यहाँ दिख रहा है, क्योंकि फोर्थ हाउस इज अफेक्टेड। सुख में कमी होना, वर्कलोड का मात्रा बढ़ना, कई प्रकार के पेंडिंग काम बढ़ना, नए बिजनेस एक्सटेंशन करके संभाल नहीं पाने का कंडीशन बनना। क्यों? क्योंकि अगला शनि अष्टम में जाएंगे ना, डेढ़ साल के बाद, तो उसका भी इफेक्ट इस समय, वो पेन, वो पीड़ा, वो मानसिक तनाव जो अभी वृश्चिक वाले और अगले एक साल पहले से मिथुन वाले भोगे थे, जिनका कोई अपना आदमी मर गया, जिनका विच्छेदात्मक दर्द, मृत्युतुल्य पीड़ा हुआ, तो उसका भी माइक्रो लेवल का इफेक्ट सिंह राशि वालों को अभी से मार्गी होने के बाद मिलने का पता नहीं चलेगा। डरो मत, बहुत अलर्ट और ध्यान वाले उनको समझ सकते हैं, ऐसे सामना करना पड़ सकता है, इसका इफेक्ट दिखाई देना चालू हो जाएगा। अभी नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे शनि आगे की ओर जाएंगे
तो रेमेडी क्या करना चाहिए? देखो कर्म, शनि बाबा ग्रह है कर्म का, कर्म ठीक करोगे सब ठीक होगा, रेमेडी यही है। और हनुमान चालीसा सुंदरकांड का तो पाठ रेगुलर चलना चाहिए। अष्टम का पीड़ा के लिए नेचुरली माँ श्मशान काली का पूजा पाठ, जब तप, साधना इत्यादि। धन्यवाद, नमस्कार।